हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स फोरम न्यूज चैनल के अंदर। तो दोस्तों, शुरू से ये वीडियो के अंदर आपको देखाऊंगा कि चाइना पीसीबी का जब पावर प्रॉब्लम आता है तो कैसे रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट टाइम मैं जब ट्रेनिंग किया था उसी समय मार्केट के अंदर एक किट आया था जो फोंडा फोर्ड नाम से। दोस्तों, वो किट अभी नहीं देखा जाता है। तो अभी इसी टाइम मार्केट के अंदर जो चाइना पीसीबी बहुत आ गया और जो बैंडेड पीसीबी मार्केट के अंदर न्यू न्यू टीवी अभी नहीं आ रहा है, तो इसलिए जिस टेक्नीशियन का पास वो बैंडेड पीसीबी जाता है और वो रिपेयर नहीं होता है तो उसी जगह पर चाइना पीसीबी यूज़ कर देता है। तो इसीलिए चाइना पीसीबी का ऊपर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो शुरू से आपको ये वीडियो के अंदर पूरा चाइना पीसीबी का जो पावर सप्लाई है ये रिपेयर करने का तरीका आपको डिटेल्स बताऊँगा। आप ये वीडियो फुल आज फर्स्ट कंडीशन जब पावर प्रॉब्लम आएगा तो देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल का साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो सेट डेट है, ठीक है, पावर फॉल्ट है, कुछ भी इंडिकेटर नहीं चल रहा है, तो फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो चाइना पीसीबी है इसका अंदर देखिए दोनों ये सेम टाइप जैक देखा जाता है, यहाँ पर एक जैक देखा जाता है और यहाँ पर एक जैक देखा जाता है। तो कौन सा इनपुट पॉइंट होगा, मतलब कौन सा एसी सप्लाई इनपुट पॉइंट होगा, पूरा शुरू से आपको पूरा ये पावर सेक्शन के बारे में डिटेल्स बताऊँगा। अब देखिए, ये दो जो सेम टाइप देखा जाता है, एक जैक का पास देखिए इसी तरह फ्यूज देखा जाएगा, ठीक है, आवाज़ चक्कर के देखिए, ये फ्यूज़ का पास हर टाइम ये एसी इनपुट का पॉइंट होता है और ये जो पॉइंट देखिए इसका पास फ्यूज़ नहीं है बट ये दोस्तों पीटीसी है। तो दोस्तों, इसी तरह पीटीसी हो सकता है और ब्लैक टाइप बॉक्स टाइप पीटीसी भी हो सकता है, ठीक है। वो पीटीसी का एक पिन का साथ जरूर ये दो पिन का कुछ भी एक पिन कनेक्शन होगा जो डिगोसिंग कॉइल का कनेक्शन होता है, ठीक है। मान लो कुछ भी रीजन से आप एसी सप्लाई यहाँ पर इनपुट कनेक्शन नहीं देके आप यहाँ पर एसी सप्लाई इनपुट कनेक्शन कर दिया तो टीवी ऑन हो जाएगा। टीवी ऑन होने के बाद तुरंत एक मिनट का अंदर ही, हो सकता है 30 सेकंड का अंदर टीवी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आप ये नोट करके रख सकते हो और ध्यान में आप रख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद चलिए, मान लो कुछ भी रीजन से ये पावर डेट है, मतलब फर्स्ट आपको क्या देखना पड़ेगा कि इसका अंदर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। मान लो इसका अंदर एसी 220 वोल्ट इनपुट हो रहा है तो दोस्तों उसका बाद सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट देखना पड़ेगा कि ये जो फ्यूज़ काटा हुआ है कि नहीं है, ठीक है। मान लो फ्यूज़ काट गया तो दोस्तों, मैं न्यू टेक्नीशियन को बताना चाहता हूँ कि जब फ्यूज़ काट जाता है साथ साथ आप यहाँ पर न्यू फ्यूज़ लगाने का बाद सप्लाई मार दीजिए, क्योंकि टीवी का फ्यूज़ ओपन होने का, जल जाने का और काट जाने का जो रीज़न होता है ये सेक्शन का अंदर कुछ ना कुछ पार्ट शॉर्ट है, ठीक है। तो इसका बारे में मैं और क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि देखिए, मान लो यहाँ पर एक फ्यूज़ है और वो फ्यूज़ हर जगह पर नहीं मिलता है, यहाँ पर 3 एम्पियर का आसपास फ्यूज़ देखा जाता है, ठीक है। 5 एम्पियर भी फ्यूज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब भी फ्यूज़ नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आसान तरीका बताऊंगा आपको। इस तरह जो वायर देखा जाता है, ये वायर को आपको लेना पड़ेगा और ये वायर को थोड़ा सा आपको इस तरह छीनने के बाद इसके अंदर कुछ 5-6 वायर देखा जाता है, ठीक है। ये जो वायर देखा जाता है, ये वायर को आपको 2 वायर लेना पड़ेगा, ठीक है, 2 वायर लेना पड़ेगा। 2 वायर लेने के बाद यहाँ पर आप इस तरह, ये देखिए यहाँ पर जम्परिंग है, आप इस तरह फ्यूज़ को आप कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये फ्यूज़ लगाने का पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो इनपुट लाइन का अंदर चारों डायोड देखा जाता है, जो रेक्टिफाइड डायोड होता है, कुछ भी एक डायोड शॉर्ट होगा तो उसी का रीजन से फ्यूज़ साथ साथ काट जाएगा सप्लाई देने का बाद। ये आपको पूरा दिमाग में सेट करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये डायोड ऊपर से ही आप चेक कर सकते हो मीटर लेके। और एक रीजन है कि ये जो पीटीसी ब्लैक टाइप पीटीसी जो अधिकतर देखा जाता है, वो पीटीसी अंदर से शॉर्ट हो जाएगा तो उसी का रीजन से भी फ्यूज़ जल जाता है। यह आप पूरा दिमाग में पूरा सेट कर लीजिए। उसके बाद और जो प्रॉब्लम देखा जाता है, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई है, ये मेन पावर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर खुद शॉर्ट हो जाएगा तो इसी का रीजन से सप्लाई देने का साथ साथ फ्यूज शॉर्ट हो जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पावर ट्रांजिस्टर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, इसका ये बेस पिन है, इसका कलेक्टर पिन है और ये एमीटर पिन है। एमीटर पिन नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, बीच में ये जम्पर है, डायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकता है। कुछ कुछ पीसीबी के अंदर इसका अंदर एक 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस भी देखा जाता है, ठीक है। तो मेनली ये जो बेस पिन है, ये बेस पिन के साथ देखिए एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट हो जाता है, ये ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होने का रीजन से आप जितना बार ये ट्रांजिस्टर लगाएगा तो ये ट्रांजिस्टर भी तुरंत शॉर्ट हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का रीजन से। इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ, जब देखेगा कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, इसी के साथ ये ट्रांजिस्टर को आप चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों, मान लो ये जो ट्रांजिस्टर, इसका नंबर क्या होगा, चलिए मैं स्क्रीन पर आपको दे देता हूँ। यहाँ पर अलग अलग चाइना पीसीबी के अंदर बहुत कुछ ट्रांजिस्टर यूज़ देखा जाता है, तो कौन कौन ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो आप स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये एक बात हो गया। और ये जो पावर ट्रांजिस्टर है, ये पावर ट्रांजिस्टर बहुत कुछ यहाँ पर यूज़ होता है, कुछ भी ट्रांजिस्टर ये पावर पोजीशन पर आप यूज़ कर सकते हो, जो मैं स्क्रीन के ऊपर दे देता हूँ, आप स्क्रीन देख के वो नोट करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपको बताया जो फ्यूज़ साथ साथ कट जाने का जो रीज़न होता है।
और दोस्तों एक अनकॉमन रीजन है जो हमेशा नहीं होता है कि ये मेन फिल्टर कैपेसिटर जब शॉर्ट हो जाएगा, मतलब वीक हो जाएगा, पूरा तरह से काम नहीं करेगा, इसी का रीजन से ये फ्यूज काट जाता है। बट दोस्तों ये बहुत कम होता है, तो ये भी चेक करने का तरीका आपको बताता हूँ। देखिए, मान लो ये पावर सेक्शन से कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, हो सकता है कि इसका ESD सप्लाई आउटपुट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ड्राइंग देखने का जरूरत नहीं है, ये PCB को अच्छा करके देखेगा तो आपको दिमाग पूरा फ्रेश हो जाएगा। ESD सप्लाई जो जाता है, सप्लाई वोल्ट, इसका अंदर जरूर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कॉइल देखने को मिलेगा, कॉइल नहीं होगा तो जम्पर भी देखने को मिलेगा। आपको ये लाइन को पूरा ओपन करना पड़ेगा, मतलब ESD के साथ कुछ भी संपर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो सप्लाई लाइन के अंदर ये जो डायोड है, ये लाइन के अंदर आपको एक 100 वाट, कितना बताए, 100 वाट बल्ब, ठीक है, आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरह 100 वाट बल्ब आपको लगाना पड़ेगा। किस तरह लगाना पड़ेगा, ये बल्ब का जो दो पॉइंट है, एक पॉइंट आपको ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर लगाना पड़ेगा और एक पॉइंट का आपको ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव पर लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद देखिए कि इसका अंदर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। हो सकता है आप लैंप नहीं लगाया, ये लैंप को नहीं लगाया और ये ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है 110 वोल्ट के आसपास। तब भी दोस्तों आपको एक लैंप लगा के देखना पड़ेगा। लैंप लगाने के बाद आप कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ पर वोल्टेज ओरिजिनल मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। मान लो यहाँ पर वोल्टेज ओके है और ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो इसका मतलब इसका ESD सेक्शन और आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है। इसका ऊपर मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगा, मेनली पावर सेक्शन के ऊपर डिस्कस करूँगा, तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। मान लो यहाँ पर वोल्टेज कुछ भी नहीं है, हो सकता है वोल्टेज बहुत ड्रॉप हो गया। उसका साथ ये जो अलग अलग डायोड, तीनों डायोड देखा जाता है, एक वर्टिकल सप्लाई और डाइवर्स सप्लाई का, एक रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई का और एक साउंड सेक्शन सप्लाई का, यहाँ पर भी वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर भी वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, बहुत कम वोल्ट आ रहा है, तो आपको ये जो डायोड है, ये सब डायोड का एक बार चेक करके देखना कर पड़ेगा। आप मीटर से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसका अंदर मेन लाइन का अंदर जो कैपेसिटर देखा जाता है, ये कैपेसिटर नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, ठीक है। ये कैपेसिटर को आप चेक करके देख सकते हो पूरा लाइन का अंदर, ठीक है। सभी लाइन का अंदर एक कैपेसिटर है, ये सब आप चेक करके देख सकते हो। कुछ भी पोजीशन शॉर्ट मिलेगा तो वो पोजीशन को आपको पार्ट्स को चेंज करके देखना पड़ेगा। और इसका बाद चलिए जी, मान लो आउटपुट वोल्टेज नहीं आउटपुट हो रहा है, ठीक है, और आप सप्लाई देखे देखा कि ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर हो जाता है, मतलब 220 वोल्ट इनपुट होता है, 225 वोल्ट भी इनपुट हो सकता है, इसी से ज़्यादा वोल्ट ये कैपेसिटर पर स्टोर देखने को मिलता है, ठीक है। ये AC वोल्ट होता है और ये कैपेसिटर का पास DC वोल्ट होता है, 350 वोल्ट का आसपास वोल्टेज ये कैपेसिटर पर स्टोर देखा जाता है। जब ये कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टोर हो जाएगा तो दोस्तों आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये कैपेसिटर ओके है, मतलब ये कैपेसिटर काम कर रहा है, इसके अंदर वोल्टेज स्टोर होगा। तो और मान लो पावर सेक्शन का कुछ भी आउटपुट वोल्ट नहीं दे रहा है और ये कैपेसिटर पर वोल्टेज भी स्टोर नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ये कैपेसिटर भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। पावर सेक्शन फॉल्ट होगा तो जरूरी है कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है, ठीक है। मान लो कुछ भी रीजन से इसका कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं दे रहा है, हो सकता है लो वोल्ट आउटपुट दे रहा है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फर्स्ट आपको चेक करना पड़ेगा ये कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है और ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पर एक सप्लाई आता है, तो दोस्तों ये सप्लाई एक चॉपर का पिन पर इनपुट होता है, ये चॉपर से एक इंटरनल कॉइल है जो ये पॉइंट से वोल्टेज आउटपुट होता है और ये वोल्टेज डायरेक्ट देखिए ये जो पावर ट्रांजिस्टर है, पावर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर सप्लाई जाता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसी टाइम आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए अधिकतर चाइना PCB का जो पावर प्रॉब्लम होता है, मतलब पावर से वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, तो आपको एट ए टाइम देखिए ये पिन पर वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो ऑप्टो कपलर है, 817 का ऑप्टो कपलर है, ये ऑप्टो कपलर का ये साइड बहुत PCB के अंदर 431 का एक रेगुलेटर IC देखा जाता है, तो दोस्तों वो IC और ये ऑप्टो कपलर और उसका साथ ये साइड का अंदर भी एक ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ये तीनों पार्ट्स प्रॉब्लम से अधिक फॉल्ट होता है। ये तीनों पार्ट्स को आपको एट ए टाइम चेंज करके देखना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम से पार्ट्स प्रॉब्लम से जो पावर प्रॉब्लम अधिकतर होता है, तो इसके बारे में आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पोजीशन का अंदर जितना नंबर का पार्ट्स आप देखेगा तो 10-15 हो सकता है और 18-15 भी हो सकता है, जितना पार्ट्स यहाँ पर देखेगा वही पार्ट्स आप यूज़ कीजिए। और जो 431 का जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर जैसा IC यहाँ पर देखा जाता है मार्केट का अंदर, बहुत वो IC खराब मिलता है, आप न्यू लगाने का बाद भी पावर रेडी नहीं होता है, बहुत टाइम में प्रैक्टिकली देखा, क्योंकि ये पोजीशन के अंदर वो जो पार्ट्स बहुत खराब मिलता है मार्केट के अंदर। ये आपको पूरा नोट करके रखना पड़ेगा, दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा कि आप मान लो सभी पार्ट्स चेंज कर दिया, ये भी न्यू लगाया तब भी पावर रेडी नहीं हो रहा है, तो इसी का ये भी एक रीज़न है, ठीक है। और उसी का साथ आपको बताना चाहता हूँ, मान लो पावर सप्लाई वोल्ट हाई हो गया, हो सकता है लो हो गया,
ये ट्रांजिस्टर का और आईसी का पास यहाँ पर एक 6 वोल्ट का जेनर डायोड दिखा जाता है, पूरा फिक्स्ड 6 वोल्ट का जेनर डायोड, 6.2 वोल्ट जेनर डायोड भी हो सकता है। ये जेनर डायोड को आपको एक बार न्यू लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पोजीशन के अंदर आप वोल्टेज चेक करेगा तो 6.2 वोल्ट और 6 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर यह वोल्टेज गड़बड़ देखेगा तो आपको ये डायोड को एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया, अब दिमाग में पूरा सेट कर लीजिए। और उसी का साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो पावर सेक्शन के अंदर कंटिन्यू सप्लाई देने के बाद ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर हो जाता है, तो वो पावर सेक्शन का कुछ भी पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है। मेनली आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये प्लस पॉजिटिव सप्लाई कैपेसिटर का, ठीक है। यहाँ से देखिए एक रेजिस्टेंस इधर है और ये सीरीज रेजिस्टेंस, यहाँ से और एक रेजिस्टेंस यहाँ तक कनेक्शन है, ठीक है। आप अच्छा करके देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, तो ये कुछ भी रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा, मतलब कुछ भी कनेक्शन नहीं मिलेगा और हाई हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस खराब होने का रीजन से ये आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा और पावर सेक्शन ऑन नहीं होगा। आपको ये रेजिस्टेंस ओपन करके देखना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस का दोनों वैल्यू सेम होता है। तो दोस्तों कुछ भी पीसीबी हो सकता है, अलग अलग पीसीबी के अंदर रेजिस्टेंस वैल्यू अलग होता है, पर दोनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का देखा जाता है, ठीक है। और ये सप्लाई रेजिस्टेंस का अंदर यहाँ पर 12 वोल्ट के आसपास मिलता है, बैंडेड पीसीबी का अंदर 18 वोल्ट के आसपास देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी टाइम मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो सप्लाई दोनों रेजिस्टेंस से यहाँ पर सप्लाई आता है, ये रेजिस्टेंस देखिए ये डीसी लाइन से कनेक्शन है, मतलब कैपेसिटर का पॉजिटिव से। बहुत पीसीबी के अंदर ये दो रेजिस्टेंस डायरेक्ट ये जो एसी सप्लाई इन हो रहा है, ये एसी सप्लाई लाइन से भी ये रेजिस्टेंस दिखा जाता है। और जब जिस पीसीबी के अंदर एसी सप्लाई से ये दो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, इसका आउटपुट पर जरूर एक डायोड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो जो डायोड है, यहाँ पर डायोड नहीं है, वो डायोड मीटर से चेक करेगा तो ओके दिखाएगा, बट लीकेज हो जाएगा तो तब भी पावर सेक्शन ये ऑन नहीं होगा, ये एक कंडीशन। और इसी तरह एक सेम वोल्ट ये जो चॉपर है, चॉपर का दोनों पॉइंट आपको फर्स्ट बताता है कि ये पॉइंट सप्लाई इन होता है और यहाँ से सप्लाई आउटपुट होता है और ट्रांजिस्टर पर जाता है, और यहाँ पर दो और जो पॉइंट है एक नेगेटिव होता है और एक लाइन से देखिए दोस्तों और एक डायोड है, बीच में एक कॉइल हो सकता है, बहुत पीसीबी के अंदर देखा जाता है। तो ये सप्लाई यहाँ पर भी 12 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, ये डायोड लीकेज होने का रीजन से भी पावर रेडी नहीं होगा। तो दोस्तों ये लाइन का डायोड को भी आपको चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मीटर से चेक करेगा तो ओके दिखाएगा, तब भी ये डायोड लीकेज हो जाएगा, मतलब सप्लाई देने के बाद वो लीकेज का बजाय यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलेगा तब भी काम नहीं करेगा, तो ये डायोड को भी आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको और डिटेल्स मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए पावर सेक्शन का जो फॉल्ट होता है, आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 110 वोल्ट का लाइन है, ये लाइन के अंदर एक फीडबैक लाइन, ये जो बैकिंग वोल्टेज देखिए ये जो लाइन से आ रहा है, इसका अंदर देखिए तीनों रेजिस्टेंस देखा जाता है, ये तीनों रेजिस्टेंस से ये ऑप्टोकॉपलर सेक्टर सेक्शन पर सप्लाई आता है, ये तीनों रेजिस्टेंस भी कोई कभी कभी फॉल्ट हो जाता है, ये तीनों रेजिस्टेंस को भी आपको चेक करके देखना पड़ेगा। कभी कभी मान लो वोल्टेज ओके आ जाता है, कभी कभी वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो इसी का भी एक रीजन है जो पावर सेक्शन के अंदर पीसेट दिखा जाता है, ये पीसेट फॉल्ट से, ठीक है। आपको ये पीसेट भी चेंज करके देखना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ करके देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका पावर से कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है और आपको मैं बता दूंगा कि आप ये डायोड को चेंज कर दीजिए हो जाएगा, ऐसा नहीं, कभी नहीं होता है, आपको ये भी दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा। और दोस्तों ये पावर सेक्शन के अंदर कुछ जेनर डायोड दिखा जाता है, 2 4148 का, 7.2 वोल्ट का जेनर डायोड दिखा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ चाइना पीसीबी के अंदर ये जेनर लीकेज का बजाय भी फॉल्ट होता है, जो ऊपर से चेक करने के बाद पता नहीं चलेगा, तो आपको जेनर डायोड चेक करके भी देखना पड़ेगा। और डायरेक्ट ऊपर से मीटर से शॉर्ट मिलेगा तो कोई बात नहीं, आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। और ये जो इसका अंदर जेनर डायोड देखा जाता है, वो जेनर डायोड का अंदर ही नंबर देखा जाता है, बट ब्रांडेड पीसीबी होगा तो वो ब्रांडेड पीसीबी का जो जेनर डायोड उसका ऊपर कोड नंबर भी देखा जाता है। तो इसका ऊपर मैं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के अंदर डिटेल्स भी वीडियो बना के रखा है कि कौन कोड का ऊपर कितना वैल्यू डायोड होगा, ठीक है। तो तब भी मैं ये चैनल के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करूंगा, और ये पावर प्रॉब्लम का ऊपर जो पावर सेक्शन के अंदर कौन पोजीशन के अंदर कितना वोल्ट मिलता है, इसका ऊपर मैं तरंग इलेक्ट्रॉनिक चैनल के अंदर डिटेल्स वीडियो बना के रखा है। दोस्तों वो चैनल डिलीट हो सकता है, तो इसीलिए ये चैनल को आप फॉलो कीजिए, ये चैनल के अंदर मैं सब कुछ अपडेट देते रहूँगा, ठीक है दोस्तों। और आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी रेजिस्टेंस प्रॉब्लम से भी आउटपुट वोल्ट प्रॉब्लम हो सकता है। अब रेजिस्टेंस मीटर से चेक करने के बाद ओके दिखाएगा तो वो रेजिस्टेंस चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट आपको डायोड, ये डायोड भी हो सकता है, जेनर डायोड भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, आपको वो चेंज करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो पीएफ देखा जाता है, जो कैपेसिटर देखा जाता है, देखिए ये जो पीएफ, देखिए ये पीएफ बहुत टेक्नीशियन चेंज नहीं करता है, ये पीएफ जब प्रॉब्लम हो जाएगा पावर से कुछ भी आउटपुट वोल्ट नहीं देगा, आपको ये पीएफ न्यू लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।